हाय फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मिनट में बिना चूल्हा जलाए हुए मीठे की रेसिपी, जिसे आप दो तरह से एंजॉय कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका टेस्ट ऑसम है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक चम्मच बादाम, डेढ़ चम्मच के आसपास ये काजू के हमने टुकड़े लिए हैं और आधा चम्मच हमने पिस्ता लिया है। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसे अब हम पीस ले रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिया है। इसमें हम डेढ़ कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम आधा कप के आसपास ये कॉन्डेंस मिल्क है, जिसे हम मिल्क मेड भी बोलते हैं। ये होममेड है, फ्रिज से अभी अभी निकाली हूँ, तो इसके लिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से गाढ़ा है। और इसमें हमने तीन ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और इसका हमने किनारा काट लेना है। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए, इसे हमने रफली तोड़ करके इसमें डाल दिया है और इसे भी हमने पीस लिया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना है, देख रहे हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर देखिए, हमने एक बर्तन लिया है और इसमें हमने इसे पोर कर दिया है। आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर से मैं थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते की कतरन से इसे मैं सजा दे रही हूँ, और इसे हमने एक ढक्कन से ढक देना है। और ये है हमारा पहला तरीका, जिसे हमने दो घंटे के लिए फ्रीजर में रखा है। और ये देखिए, इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ, इसे आप एज अ डिज़र्ट इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, इसका कंसिस्टेंसी किस तरह से है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और दूसरा तरीका ये है, इसे हमने 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है और इसे आप इंस्टेंट आइसक्रीम की तरह इंजॉय कर सकते हैं। ये मार्केट से ज़्यादा डिलीशियस आइसक्रीम ये घर में बन करके तैयार होता है, ट्राई ज़रूर कीजिए।